हेलो दोस्तों, देखिए ये है रोटी के पोए। तो पोआ तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो आप बिल्कुल फुल देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कल की रोटी रखी थी उनको अच्छे से मीड लिया है, मसल लिया है, उसके बाद काट लिया है प्याज, आलू, हरी मिर्ची और टमाटर। जैसे हम सिंपल तरीके से पोहा बनता है उसी तरह से बनाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा। साथ में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, उसमें डाल दिया है जीरा और राई। जीरा राई को अच्छे से भूनने देंगे, फिर उसके बाद डाल देंगे आलू। तो प्लीज़ 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 वीडियो फुल देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताना कि आज आपको इस रोटी से पोहा की रेसिपी कैसी लगी। तो प्लीज़ 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 बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस इसी तरह से देखिए, आलूओं को हमने अच्छे से डाल दिया है और आलू हमारे एकदम अच्छे से भुन चुके हैं। तो उसी के बाद डाल देंगे हम प्याज और हरी मिर्ची। पहले हमको आलू को अच्छे से भूनना है, फिर उसके बाद डाल देंगे हरी मिर्ची और प्याज। कुछ भी नहीं करना, सिंपल तरीके की रेसिपी है। अगर आपके घर में ज़्यादा रोटी बच रही है, कोई नहीं खा रहा, तो इस तरह से खाइए। और बिल्कुल गरम गरम बहुत ही टेस्टी लगा था सबको ये नाश्ता। तो अगर आपको ये नाश्ता बनाने में दिक्कत है तो तुरंत 2 मिनट में बन जाता है। इस वीडियो को देख लीजिए, वो बहुत ही टेस्टी बना था। और बस इसको अच्छे से भून लेना है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीके की रेसिपी है। तो मैंने सोचा आज मैंने भी पहली बार बनाई है तो थोड़ी सी वीडियो शेयर की जाए। इस तरह से देखिए, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर अभी डाले नहीं है, बाद में डालेंगे जब प्याज और लहसुन, वो प्याज और हरी मिर्च अच्छे से भुन जाएंगी, उसके बाद डाल देंगे टमाटर। और टमाटर भी हमें अच्छे से सॉफ्ट होने तक भूनने हैं, जिस तरह से हम पुआ के लिए या आप चावल बनाते हो मसाले वाले, उसी तरीके से बनाना है। और कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है। तो मैंने सोचा आज आपको थोड़ी सी वीडियो शेयर की जाए। तो आप लोग किस तरह से बनाते हो, कैसे बनाते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल ही नहीं करते। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर मत करना। लेकिन अगर आपको इतनी दिक्कत है तो पर लेकिन लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर ही लेना अच्छे से, क्योंकि वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही वीडियो सिंपल तरीके से बनने वाली है, एकदम झटपट रेडी हो जाते हैं। ये देखिए, अच्छे से आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसी में डाल देंगे हल्दी बस, और उसके बाद अलावा मैं कोई भी मिर्ची मसाला या गरम मसाला का यूज नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें क्या है, ज़्यादा मिर्ची वगैरह का यूज करने से मिर्ची थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। तो बस सिंपल तरीके से रख दिया है यूज करने के लिए। और साथ में देखिए, सब कुछ मसाले अच्छे से भुन चुके, उसी में डाल देंगे जो रोटी अच्छे से मीड के रखी थी ना, मैंने बताया ना जी, कल रात की रोटी बची थी उसी से बना रहे। आप चाहो तो सुबह की रोटी से शाम को भी ये नाश्ता बना सकते हो। साथ में डाल देंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को फुल देखिएगा, 2 मिनट की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है। बस इसको अच्छे से चलाते रहना है जब तक हमारा मसाला अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। और ये देखिए, बस इस तरह से चलाते रहना है और हमारी सॉरी रोटी से पोहा बन के रेडी हो चुका है। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। देख लीजिए एक बार फिर से, इस तरह से एकदम लग रही ना, एकदम टेस्टी बन के झटपट रेडी। तो गरम गरम खाइए, थोड़ा सा नींबू हो तो नींबू भी डाल देना, मेरे पास नहीं था तो मैंने नींबू स्किप कर दिया है। तो बस इसी तरह से बढ़िया कटोरी में खाइए, साथ में चाय ले लीजिए। तो ओके, बाय।